यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद शहरवासियों के लिए स्विमिंग पूल का शुभारंभ किया। ये स्विमिंग पूल सुबह 6 से 10 बजे तक संचालित होगा। गर्मी के मौसम को देखते हुए इसका शुभारंभ किया गया है। राजधानी रायपुर के बच्चे, युवा और बुजुर्ग गर्मी में इसका भरपूर लाभ ले पाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण यूनियन क्लब का स्विमिंग पूल बंद कर दिया गया था। स्विमिंग पूल के फिर खुल जाने से शहर के लोगों में उत्साह का वातावरण है। शहर के सबसे पुराने स्विमिंग पूल को नया स्वरूप देने यूनियन क्लब परिसर में आकर्षक साज सज्जा के साथ प्रकाश की व्यवस्था की गई है। बिजली कनेक्शन दुरुस्त करने के साथ ही दूधिया प्रकाश के लिए लाइट लगाई गई है। ऐसे में शाम होते ही आकर्षक लाइटों से स्विमिंग पूल की सुंदरता और भी बढ़ गई है। क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा और सचिव गिरीश अग्रवाल ने इस संबंध में ग्रैंड न्यूज को जानकारी दी। शहर का सबसे प्राचीनतम पूल 1999 से प्रारंभ और 1999 से लेकर आज तक जब राज्य नहीं बना था उसके पहले से ही पुल का निर्माण हुआ। और यहाँ से मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि हमारा स्टाफ, हमारे लोग इस शहर की सेवा करते हुए यहाँ के छोटे बच्चे जो कि निशुल्क हमने कैंप भी लगाते हैं इसके लिए और लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये शहर का एकमात्र पूल ऐसा है जो क्लब के अलावा या क्लब के जो प्रोग्राम होते हैं, क्लब की जो चीज़ें होती है, क्लब की जो व्यवस्था होती है, क्लब के मेंबर ही उपयोग करते हैं। पर हमारी कार्यकारिणी ने पहली बार निर्णय लिया कि इसको आम जनता के लिए भी खोला जाए और वो ये आज से प्रारंभ होगा। ये पूरी गर्मी में जब लोग तपिश बहुत महसूस करते हैं, यहाँ मेला लगा रहता है, कम से कम 1100-1200 बच्चे जो है प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और यहाँ का लाभ लेते हैं। और ईश्वर की कृपा है कि 1999 से लेकर आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई, उसी को तारण करते रखते हुए एक परंपरा है, हम पूजा करके इस पूल का प्रारंभ करते हैं। और ये हमारे क्लब जो है और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और हमारी राजधानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और मैं कामना करता हूँ कि अच्छे से इस वर्ष की सफल संचालन करें। हमारे क्लब के महासचिव गिरीश अग्रवाल जी विशेष रूप से इसमें अध्यक्ष हैं, अतुल शुक्ला जी कुछ अध्यक्ष हैं और पूरी टीम जो है वो मेहनत कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट। आज हमारे यूनियन क्लब में स्विमिंग पूल का शुभारम्भ हुआ है इस साल के लिए और क्लब के आदरणीय गुरुचरण भाई ने उसका उद्घाटन किए, पूजा में शामिल हुए, इस पर उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ और क्लब के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद।